नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हर कोई सफलता के पायदान चढ़ना चाहता है, लाइफ में बड़े बड़े सपनों को पूरा होते देखना चाहता है। सपने कैसे पूरे होंगे, सपनों को साकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए जानते हैं इससे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी कुछ यूं है। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया। इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने की 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजों को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन बेचारा वापस लौट आया। उसके बाद वह और अधिक मेहनत करने लगा और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद भी वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने यह परेशानी अपने बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। जॉन बिल के पास गया और उससे पूछा कि तुम ज्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। तो क्या आप अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हो? नहीं तो अभी शुरू कर दें, नहीं तो सफलता पाना तो दूर, आप उसे छू भी नहीं सकते। आपकी कुल्हाड़ी है आपका दिमाग, और धार तेज करने का मतलब है उसे ज्ञान रूपी खुराक देना। जिस तरह हमें रोज अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही दिमाग को अच्छे विचारों की। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक विचारों की खुराक देनी पड़ेगी। जो व्यक्ति रोज शुद्ध शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों से अपने दिमाग की धार को तेज करते हैं, वे बिल की तरह जीवन में बहुत जल्दी ही तरक्की पाते हैं। आप भी अपने ज्ञान की धार को बढ़ाने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम इस चैनल पर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस दिखाते रहेंगे और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।